वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एक तरफ मणिपुर जल रहा है तो दूसरी तरफ संसद में इसकी आवाज गूंज रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी मुद्दे को भुनाते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सीधे तौर पर वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता ही नहीं है कि मणिपुर क्यों जल रहा है, किस वजह से जल रहा है, कैसे इसे शांत करवाया जाए। क्या कुछ राहुल गांधी यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं। जैसे कि आपने राहुल गांधी को सुना, सीधे तौर पर अब बात सामने आती है कि कब मणिपुर पहुंचेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। सीधे तौर पर अब तो यहां पर गोलीबारी की घटनाएं भी देखी जा रही हैं। अभी तक आगजनी हो रही थी, अब यहां पर गोलीबारी देखी जा रही है, एक दूसरे को गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। अब ऐसे में क्या यहां पर फौरन राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होना चाहिए? हर कोई एक ही बात को दोहराता हुआ नजर आ रहा है, राष्ट्रपति शासन, लेकिन लगने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या अब राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है, अब क्या वाकई यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोई बड़ा संज्ञान लेती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।